शंकर जय जय शिव शंकर, माता लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। अरे भाई किस धुन में मग्न हो और ये सब क्या कर रहे हो? किस दुनिया में हो? अरे बंधु तुमको पता नहीं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव का दिन है। मैं तो प्रसाद बना रहा हूँ, भांग पीस रहा हूँ। बम बम बोले। भांग का प्रसाद? हाँ भैया, शिव जी तो भांग पीते हैं, तो हम भी उनके भक्त हैं, हम क्यों न पिए। बम बम बोले। तो आप भी भांग का नशा करोगे? हाँ हाँ, तुम भी लो पियो पियो। बम बम बोले। शिव जी ने तो हलाहल विष को भी पिया था और उनको कुछ नहीं हुआ था, उसे भी प्रसाद बना लो, उसे भी पी लो। इससे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। शिव जी के भक्त हो जो, उसे भी पचा जाना। तो क्या ये प्रसाद नहीं है? बम बम बोले। किस शास्त्र में लिखा है कि भोलेनाथ भांग का नशा करते हैं? सुनो बंधु, उन्होंने जो नशा किया था वो ऐसा कोई सांसारिक नशा नहीं था, बल्कि उस आदि नाम का किया था जो शाश्वत सनातन सत्य है। नाम का नशा? ये कैसा नशा है, हमने तो कभी नहीं सुना। हाँ, ये भी नशा है जिसके बारे में गुरुवाणी में कहा गया है, नशा भांग शराब का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात, चढ़े रहे दिन रात। ये सभी नशा तो आपके जीवन, आपके शरीर से लेकर परिवार के जीवन को नरक बना देती है, मगर अध्यात्म का नशा जो हनुमान जी ने किया था, भक्त प्रहलाद ने किया था, मीराबाई जी ने किया था, जो कभी नहीं उतरती और परलोक भी सवार देती है। लेकिन संसार का नशा, उस इंसान को देखो। कैसे पैर लड़खड़ा रहा है, इधर उधर गिरता पड़ता जा रहा है, नालियों में पड़ा रहता है, इस नशे में अपना जीवन गवा रहा है। अरे भाई, शिव जी ने जो नशा किया था वह तो ऐसा नशा था, जब सामने कामदेव आया तो उन्होंने उसे भी भस्म कर दिया, अर्थात काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो क्या ये प्रभु नाम का नशा तुमने भी किया है? हाँ बिल्कुल, भगवान ज्योति स्वरूप है, ईश्वरी सत्ता को देखा जाता है, हर मानव देख सकता है, तुम भी। मैं भी? क्या तुम सही कह रहे हो? इस धरती पर जो संत महापुरुष ने किया वो यही नशा है, जिसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। आज के इस युग में भी क्या ईश्वर दिखाई देता है? हाँ, ईश्वर दिखाई देता है। क्या प्रमाण है कि आज भी ईश्वर दिखाई देता है? स्वामी विवेकानंद जी भी अपने पूर्ण गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से यही सवाल किया था। गुरुदेव ने कहा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं इसी समय तुमको दिखा सकता हूँ और दिखाया भी। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं अंतर से जगमगा उठा। इसीलिए किसी ऐसे गुरु का होना जीवन में अति आवश्यक है, जो उस भगवान से प्रत्यक्ष मिला दे। ऐसा गुरु आज के समय में कौन है? शास्त्रों ग्रंथों की कसौटी लेकर खोजो, अगर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक सर्व श्री आशुतोष जी महाराज हैं, जो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। तो फिर और कहां जाऊं मैं गुरु खोजने? मुझे भी ऐसे पूर्ण सतगुरु के दरबार में ले चलो, मुझे भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेनी है और ये बिगड़ी हुई जिंदगी सवारनी है। आज के बाद नशा पानी बिल्कुल बंद।